नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं वसीम। गर्मी के बाद हर कोई चाह रहा था कि वर्षा हो और मानसून जल्द से जल्द आए और गर्मी से राहत मिले, पर वर्षा हुई और जैसे ही वर्षा हुई मानसून ने दस्तक दिया। धीरे धीरे नगर निगम से लेकर सभी विभाग के पोल खुलने लगे। अभी मैं खड़ा हूँ साकेतपुरी रोड नंबर 3, ये पत्रकार नगर के अंतर्गत ये इलाका आता है। यहाँ पर आने के बाद चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आपको बता दें, ये जो वायर है, ये जो बिजली कलेक्शन का ये वायर है, इसमें लाइन है अभी, और ये सड़क है, ये जो गली है, ये देखिए किस तरह से धस गई है। खतरे से खाली नहीं है, पर फिर भी लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों का यहाँ पर कहना है कि कई बार आवेदन दिए गए, ये बिजली का जो पॉल यहाँ पर लगा हुआ है और वायर जो झूल रहे हैं, लोग उसको लेकर कई बार आवेदन दे चुके हैं, पर अधिकारी यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं और कुछ होता नहीं है। ये दिल दहलाने वाला एक दृश्य जो सीधा लाइव सिटीज़ आपको दिखा रहा है। वर्षा का मौसम है, ऐसे में बिजली का वायर झूलता हुआ और मानो कुछ ही फीट पर ये वायर है और 3 से 4 फीट की लगभग ये डिस्टेंस होगी, अन्यथा वायर नीचे की ओर पूरी झूल रही है। मतलब कि खतरे से खाली नहीं है। इस गली से यदि आप जाते हैं या आते हैं तो मानो एक मौत को दस्तक देना कह सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा, ये दृश्य जूम करके देखा है किस तरह से ये जो सड़क है, ये जो रोड है, वो धस गई है। बहुत कुछ व्यय करती है ये दृश्य, बहुत कुछ दिखाती है ये दृश्य। नगर निगम का एक तरीके से पोल खोल भी कह सकते हैं। देखिए कितना मजबूती के साथ इस रोड को बनाया गया है। हमारे सहयोगी ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये रोड, ये गली जो है ये बनाया गया, और वायर देखिए जो बिजली कनेक्शंस के ये जो वायर हैं, हालांकि ये वैध हैं, पर फिर भी किस तरीके से ये झूल रहे हैं, इस पर कोई भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। ऐसे में लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग से भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ माजरा है और ये कहाँ कहाँ गए हैं, इन चीज़ों को आवेदन कहाँ कहाँ इन्होंने दिया है। जिस तरह का बिजली का वायर है और सड़क जो है धस चुकी है, आप लोग इसकी जानकारी जो अधिकारी है, यहाँ के वार्ड पार्षद भी होंगे या कोई भी अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, इन लोगों से आपने बात की है? सभी लोग से बात की। क्या कहते हैं? वार्ड पार्षद से भी बातचीत किए और यहाँ के नगर निगम के कार्यपालक SDO जो थी पूनम देवी, उनसे भी बातचीत हम लोगों ने किया। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि जो मॉल बन रहा है, हमने उनको दिखाया था 25 फीट का गड्ढा था। अच्छा। वो आकर नापी और देखी भी। अच्छा। उसके बावजूद कहे कि ना हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। थोड़ा सा काम शुरू हुआ रिटर्निंग वाल बनाने का, लेकिन उसके बाद वो भी काम बंद हो गया। ये लोग अपना काम कर रहे हैं और मेरा रोड धस गया। नहीं, दिखाने के लिए तो काम शुरू किया गया, मगर धीरे धीरे वो भी काम बंद कर दिया गया। बिजली का जो वायर जिस तरह से झूल रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर एक मौत का दस्तक देना कह सकते हैं, कि जिस तरह से वायर मानो महज 3 से 4 फीट की डिस्टेंस है जमीन से उसकी। ये तो ये जो आप वायर का डिस्टेंस देख रहे हैं, दीवार के गिरने की वजह से, पोल लप जाने की वजह से देख रहे हैं, नहीं तो ऐसा लपा हुआ नहीं था। अच्छा। लपा हुआ नहीं था ये। अच्छा, ये रोड कब धसी है? ये रात को 2 बजे ये बना है। ये बना था बहुत पहले बना। 2016 में बनी है रोड जी। 2016 में ये रोड का निर्माण हुआ है, 15-16 में, और उसके बाद से रोड तो अभी नहीं है, 3 साल की रोड है। अच्छा। और नीचे ड्रेन है और पाइपलाइन है, टोटली ध्वस्त हो गया। अच्छा। पहले एक क्रेक आया था इसमें। अच्छा। तो हम लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी कंकरबाग अंचल पटना नगर निगम को एक सुरक्षा हेतु गुहार लगा और एक लिखित आवेदन दिया, जिसका प्रतिलिपि छाया प्रति हमारे पास अभी मौजूद है। उसका प्रतिलिपि हम लोगों ने करके नगर आयुक्त पटना एवं महापौर पटना एवं स्थानीय विधायक पटना, वार्ड पार्षद हमारा जो है वार्ड 44 के, उन लोगों को भी सूचनार्थ हम लोगों ने आवेदन का कॉपी देकर रिसीविंग करवाया। उन लोग उस समय क्या एक्शन लिए, नहीं एक्शन लिए, चूंकि ये 18-2 की घटना है, जो फर्स्ट बार इन्होंने गबरा किया था, उस समय कोई भी कंट्रैक्शन नहीं थी। उसके बाद इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, थोड़ा दूर सेफ्टी वाल के नाम पर थोड़ा मिट्टी उट्टी भरा 2 फीट 4 फीट। उसके बाद हम लोग को आश्वासन सिर्फ बिल्डर देता रहा कि होगा होगा होगा, ये बिमल बिजनेस पार्क बहुमंजिलीय ये मॉल बन रही है,
इनका कौन बिल्डर है मालूम नहीं, लेकिन ये लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, हम सेफ्टी कर दिए हैं, सेफ्टी कर दिए हैं, सेफ्टी कर दिए। एक हल्की सी बारिश रात को आई जी, और पूरी की पूरी बाउंड्री आपके सामने है, पूरी की पूरी रास्ता आपके सामने है, सब आपके सामने है, अब तो सिर्फ मकान ढहना बाकी है, सब ध्वस्त हो गया, सब ध्वस्त हो गया। पहली बारिश की बूंद में बारिश है कहाँ, इसे आप बारिश तो नहीं कह सकते हैं। अगर बंबई की तरह बारिश हो जाएगा तो हम लोग बाल बच्चा के साथ इसी में चले जाएंगे, जमी दोज हो जाएंगे। जी जी। हम लोगों का पास जहां तक हो सकता था, तो आज सुबह हमने स्थानीय थाना में गए, थाना को सूचित किया। अच्छा। तो थाना आके अभी फिलहाल तो काम रुकवाए हैं कि काम नहीं कीजिए, फर्स्ट इसको देखिए, फिर हम नगर निगम भी आज गए, लेकिन वहां लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। अभी फिर हम 4 बजे नगर निगम जाएंगे कार्यपालक पदाधिकारी के पास, और जो पहले आवेदन दिए हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। पहले जो आपने आवेदन, जितना भी आवेदन दिया, उस पर आश्वासन आप लोगों को क्या क्या मिलते रहे? आश्वासन उस समय मिला कि हो जाएगा, उस समय वहाँ से नगर निगम से कुछ लोग भी आए। अच्छा। ठीक है, स्कूटी सिटी मैनेजर वगैरह वगैरह जो लोग थे, लोगों ने क्या किया नहीं किया, बिल्डर से क्या बात हुई नहीं हुई, ये हम लोगों को पता नहीं है। कार्य उसका जारी रहा, कहा गया कि इधर से आप लोग का होगा, सबसे पहले ये होगा, सेफ्टी वाल होगा, मिट्टी भराएगा, काम आप लोग निश्चिंत रहिए, ये आर लेते हुए, ये बात कहते हुए, और कार्य चालू कर दिया गया। कार्य चालू हो गया, लेकिन हम लोग के साइड से कोई प्रोटेक्शन नहीं किया गया, अदर साइड से प्रोटेक्शन किया गया। बिल्डर ढलैया करके 2 तल्ला लेके ऊपर अब जाने के तैयारी में, चूंकि 5 या 6 फ्लोर का ये मॉल है, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन अब ये ऊपर के प्रयास में। हम लोगों के जान माल की सुरक्षा के किसी को परवाह नहीं है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो बिल्डर हो, क्योंकि अगर इन लोगों की हमारी परवाह होती तो 18/2 से लेके आज 9/7/19 तक 5 महीना में कार्य एक सेफ्टी वाइल 30-40 फीट का और 20 फीट मिट्टी भराई हो गया होता। यानी बिल्डर भी आपको लगातार आश्वासन आप लोगों को देते हैं? बिल्डर हमेशा आश्वासन दिया, उनके जो अथॉरिटीज थे बिल्डर का, ये लोग आश्वासन देते रहे कि आपका हो जा रहा है, हो रहा है काम, देखिए बंद हो जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे एक बच्चा को रोने पे एक चुसनी धरा दिया जाता है, उस तरह जब भी हम लोग आगे बढ़े और कहीं भी आवेदन किया या इसके प्रोच में गए, वहां इन लोगों ने तब थोड़ा सा कुछ कार्य करके हम लोगों को मुंह बंद कर दिया, कहा कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके आर्मी लोग अपना काम करते रहे, इधर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, दिखावे का काम कैसा होता है वो भी दृश्य आपके सामने है। आश्वासन तो मिलते रहे, दिखावे का काम के लिए भी लोग लगे, और किस तरह से ये बाउंड्री जो है वो ध्वस्त होने के कगार पे झुक गई है पूरा, और ये रोड जो ये सड़क है, ये देखिए किस तरीके से ये सड़क को मजबूती के साथ बनाया गया था कि मात्र 2 दिन की बारिश में ये जो सड़क है ये भी धस गई है। सबसे चौंकाने वाला तो दृश्य ये है कि बिजली का वायर महज 2 से 3 फीट के डिस्टेंस पे, हाइट पे ही है। ये खतरे से खाली नहीं है, हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग लगातार आवेदन करते रहे, लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, आश्वासन तो बहुत मिला पर काम कुछ भी नहीं। और ये सबसे चौंकाने वाला दृश्य लाइव सिटीज आप तक पहुँचा रहा है, ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब हमको दिखाते हैं किस तरीके से आश्वासन तो मिला यहाँ के स्थानीय लोगों को, पर महज 2 दिन की बारिश में बहुत सारे विभाग का पोल खुल गया। सबसे ज़्यादा यदि पोल खुल रहा है तो नगर निगम का। यहाँ पे एक डैम्प है, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा वो दृश्य देखा। यहाँ पे ये डैम्प है जो कि ध्वस्त हो गया है, और ये महज कल रात में लगभग 2-2.5 बजे की घटना है जब ये रोड जो है ये पूरा का पूरा धस गया। और यहाँ बगल में कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है, यहाँ के बिल्डर का कहना था कि इसे अच्छे तरीके से पूरी मजबूती के साथ बना दी जाएगी। मैं अपने सहयोगी को वो भी दृश्य बोलूँगा किस तरह से अभी भी ये खतरे से खाली नहीं है। देखिए किस तरह से ये जो रोड है वो अभी भी धसने के कगार पर है, पूरी तरीके से अंदर से जितने भी मटेरियल हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, यानी धस चुके हैं। अब महज एक आउटर लेयर जो है वो धसना बाकी है, यानी खतरे से खाली नहीं है ये रोड। और हम, मैं और मेरे सहयोगी विकास, ये सीधा दृश्य आप तक पहुंचा रहे हैं, और मेरे सर के ऊपर बिजली का वायर है जिसमें करंट अभी रन कर रहा है। ये सबसे खतरनाक भी है, और यहाँ के स्थानीय लोग ऐसे में गुजारा कैसे कर रहे हैं
हालांकि इनका कहना है कि लगातार आवेदन देते रहे, नगर निगम के पास जाके रिक्वेस्ट करते रहे, अधिकारी आए, पुष्टि हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ और उसके बाद फिर काम बंद हो गया। हालांकि अब बिल्डर जो हैं यहाँ पे काम लगा चुके हैं और इन सभी चीज़ों को देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, ये बगल में रहते हैं। आप बताइए, ऐसे में आप लोग कहाँ का आवेदन दिए? आपके हाथ में कुछ दस्तावेज भी है? दस्तावेज है, आवेदन है, दिखाइए कैमरे में, दिखाइए। ये 18-2 का आवेदन, ये आवेदन है कार्यपालिका पदाधिकारी का, कंकड़बाग आचल पटना नगर निगम, ये वहाँ पे इन लोगों ने आवेदन दिया था। और तिलीबी नगर आयुक्त, क्या हुआ ये आवेदन देने के बाद? क्या हुआ आवेदन देने के बाद? वहाँ से कुछ लोग आए, आश्वासन दिए हैं, लेकिन उसके बाद वही जो है आपके सामने है। मतलब आश्वासन मिला मगर काम नहीं हुआ, लेकिन वही 2-3 फीट फिलिंग हुआ, उसके बाद तो सामने आपके सामने गबरा नजर आ रहा है। 20 फीट तक तो अभी यहाँ जहाँ आप खड़ा है वहाँ से 15-20 फीट तक डीपिंग वो तो आपको नजर आ रही है। के बाद आप लोगों ने कहीं पे कंप्लेन किया है? अभी रोड धसने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले थाना गए, लोकल प्रशासन को हमने सूचित किया, वहाँ से लोग आए, उनको बोले कि भाई काम बंद कर दीजिए। उसके बाद हम लोग नगर निगम गए हैं, नगर निगम भी हम लोगों को फोन से बात हुई है, सिटी मैनेजर से बात हुई, सुरेंद्र प्रसाद है वो आए थे, बोले तो कुछ नहीं, आए आके फोटोग्राफी किए और देखे और देख के चले गए। फिर हमको फ़ोन से एथी कार्यपालक पदाधिकारी से बात हुई, उन्होंने पूनम जी ने बोला कि इस पर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और इस पर तो विजिलियन केस किया हुआ है। अच्छा, तो भाई हम लोगों को केस से कोई मतलब नहीं है, केस हो नहीं हो, हम लोगों की जान की सुरक्षा की बात है, बाल बच्चों की सुरक्षा की बात है। हम लोगों को ना बिल्डर से कोई दिक्कत है ना नगर निगम से दिक्कत है, लेकिन जब हमारी जान पे बनाएगी तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस तरह से ये रोड धसा है, यदि ये सुबह में होता तो एक बड़ा दुर्घटना भी हो सकता था, हादसा का भी सामना करना पड़ सकता था यहाँ के स्थानीय लोगों को। मगर ये रात के अंधेरे में ये रोड जो है, क्योंकि रात कल रात में भी बारिश हो रही थी और तेज़ी के साथ बारिश हो रही थी, और उस बारिश के बूंद में ये सड़क जो है शायद उन बूंदों को सह नहीं पाई, उन बूंदों के चोटों को सह नहीं पाई और ये धस गई है। और किस तरह से धसी है ये भी दृश्य आपके सामने है। रोड तो धसी ही है, साथ में ये वायर जो हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये जो वायरों का जाल सा बिछा हुआ है, ये वायर बहुत ही खतरनाक है। हम बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ पर ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, इस वायर में करंट दौड़ रहा है। और यहाँ पे जो ये जो लेबर हैं ये काम कर रहे हैं, इधर आइए, आप लोग काम करते हैं बिजली के वायर में, डर नहीं लगता है? डर तो है, डर है, अभी काम करते हैं, डर तो है, ये है बारिश है। ये लेबर है जो कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें ये काम करते हैं। इन लोग भी अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, काम तो करेंगे, गुजारा तो करना है। बहरहाल ये जो दृश्य है ये आपके सामने है, मंजर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बहुत सारे चूकियों का पोल खोल हो रहा है, अब देखना ये है कि विभाग, नगर निगम जैसे विभाग का आँख खुलता है या नहीं, या ऐसे ही लोग डरे सहमे से गुजर करते हैं। देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी इन लोग खौफ में, और खौफ का मंजर भी है जिस तरह से आप देख रहे हैं, सड़क धस चुकी है और करंट का वायर जो है वो झूल रहा है। बताइए सर, घर में छोटा छोटा बच्चा सुबह से माहौल देखा जो खाना नहीं खाया सर जी, और हम तो सुबह से बरस उरस भी नहीं किए सर, थाना में गए, थाना वाला भी नहीं सुनता, बोलता है दो दिन में तो पूरा मकान गिर जाएगा सर, तो हम सब क्या होगा, मुआवजा से हमको लेके क्या करेंगे, मुआवजा बाल बच्चा मर जाएगा तब, मेरा बच्चा नहीं रहेगा, हम तो मुआवजा कौन लेगा, कौन भोगेगा मुआवजा, बताइए हम मेहनत से घर बना है, मैं कुछ हो जाता हूँ नुकसान भरेगा। सही बात है, अधिकारी आते हैं गली में तो बनाने नहीं दिया अपार्टमेंट, ये सरकार अलाउ देती है गली गली अपार्टमेंट बनाने का, क्या तरीका है गली में अपार्टमेंट बनाने का अलाउ है, लेकिन सरकार घुसखोर बैठ के है, सब घुस खा खा के गली नहीं देती है बनाने के लिए अपार्टमेंट। अधिकारी लोग बोलता है दो दिन बस, क्या दो दिन, कब से हम लोग लगे हुए हैं कि अब नहीं बनेगा, कम बने दीवार पर उठाइए मजबूती बनाइए, तो नहीं सुना था बिल्डर, आवाज भोरे भरे आके नौटंकी कर रहा बतिया रहा है, क्या बोल रहा छोटा बच्चा क्या बोलेगा, देखने कहाँ खड़ा, अच्छा था खड़ा रंगदार कहता रहा करेगा क्या, वो सब जो डरता नहीं ना सर, वो सब नुकसान पावरफुल आदमी है, देख रहे हैं सर। चलिए पता है कि इन चीज़ों को लेकर कितना विभाग, नगर निगम जैसे विभाग कहाँ खुलता है। डैम्प यहीं पे है जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, धस चुका है,
अब देखना है कि कब तक ये रोड तैयार हो जाता है। ये मंजर जो है बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, दिल दहलाने वाला दृश्य है। हालांकि अब देखना है कि कब तक ये बन जाता है। यहाँ के लोग जो डरे सहमे से हैं वो कब तक अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हालांकि अभी जो मंजर है बहुत कुछ बयां करता है। एक चीज़ और है कि ये रोड तो धस चुके हैं और जिस तरह से धस रही है दरारें पड़ चुकी हैं और ये घर है बगल में स्थानीय लोगों का, जिस तरह से दरार पड़ी है तो ये बहुत खतरनाक मंजर है जो कि सीधा लाइव सिटीज़ ही आप तक पहुंचा रहा है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे तो आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। पटना से विकास के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़।